नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संग्राम सिंह। और जैसे कि 21 दिन हो गए हैं, लॉकडाउन चल रहा है, हम ये कैंपेनिंग लेके आए थे। अब आगे इस कैंपेनिंग को हम स्टार्ट करेंगे धीरे 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 धीरे, उसमें फिजिकल उसमें। और ये कैंपेनिंग स्टार्ट की थी मैंने युवा अनस्टॉपेबल ने, अमिताभ शाह जी ने एक अच्छा आइडिया दिया था कि भैया ये ऐसे करते हैं, तो मैंने कहा चलो करते हैं। तो अब इस कैंपेनिंग का आज दो फोन हैं, एक इधर है एक इधर है, तो मुझे इधर भी देखूँ उधर भी देखूँ। तो आज इस कैंपेनिंग का शायद 22वां दिन है। इसके बाद हम लेके आएंगे फिजिकल, जैसे मान लो एक वर्कआउट आपको कैसे बताना है, और मैं कल का टास्क भी डाल पाया, कल काफ़ी ने टास्क किया। तो कैंपेनिंग है हमारी हराओ करोना चैम्पियन बनोना। तो अब मैं आपको बताऊं कि काफ़ी पूछ रहे थे कि भैया आप सब ने क्या किया है, किस उसमें क्या किया है, आप सब ने क्या ये सब किया है। तो मैं यही मैं कह रहा हूँ, नमस्ते अमिताभ भाई, कि जितना भी अपने से हो सके, जितना भी अपने से बन सके, उतना करना चाहिए। और हम आगे अब आपके लिए, मैं युवा अनस्टॉपेबल यानी अमिताभ जी, हमने एक प्लानिंग किया है कि आप सबको फिजिकली वर्कआउट भी बताएं। अब मोटिवेट तो कर ही रहे थे, उसमें मोटिवेट भी करिए, जैसे आपको हर दिन बताएं शीर्षासन कैसे करना है, प्राणायाम कैसे करना है, योगा कैसे करना है, बाकी चीज़ें कैसे करनी हैं। तो हम यही प्लानिंग कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक जो मैं लेके आया हूँ ना, वो टॉपिक बड़ा अच्छा है। आज का टॉपिक है पेन, दर्द। कहते हैं ना कि भैया एक पुरानी कहावत है, नो पेन नो गेन। ज़िंदगी में पेन होना ज़रूरी है, मगर मैं आपसे एक छोटी सी बात बता रहा हूँ आज के टॉपिक के लिए, कोई ज़्यादा नहीं, एक प्रैक्टिकल बात पूछूँगा आप सबसे। नमस्ते, दुआ, सलाम, सत श्री अकाल सबको भैया, फिर मैं आराम से सबसे बात करूँगा। तो हम सब में से वर्कआउट करने जाते हैं, हम सब में से काफ़ी जगह जाते हैं। और दूसरा मैं कह रहा था कि युवा अनस्टॉपेबल ने क्या किया है, उनके साथ थोड़ा सा मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया है। आज मैंने वो फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे डाला है, क्योंकि युवा तो बहुत करता है, मैं तो मतलब एक अंश मात्र कर रहा हूँ उनके साथ जुड़ के कुछ करके, ज़्यादा तो वही कर रहे हैं। तो वो हमने डाला है उस पर, फेसबुक पे आप देखना कि क्या इस कोविड में कंट्रीब्यूट किया है, उसका हमने डिटेल बना के डाला हुआ है। आप सब पूछ रहे थे कि क्या क्या कर रहे हो, क्या किया है, ट्वीट भी किया है हमने, इंस्टाग्राम पर भी डाला है, इंस्टाग्राम पर भी है, आप सब देख पाओगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ पेन, पेन यानी दर्द। तो देखो, ज़िंदगी में जब हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, मान लो हम कोई जाते हैं, कोई कोई जाता है अखाड़े में जाता है, कोई जिम में जाता है, कोई और कहीं जाता है, तो अब खुद बताओ कि जब दर्द होता है तो काफ़ी पता है क्या करते हैं कि काफ़ी वो वर्कआउट करना छोड़ देते हैं, और काफ़ी लगे रहते हैं तो उनका पता है उनकी बॉडी अच्छे तरीके से बन जाती है, डेवलप हो जाती है, और उस शरीर में फिर मसल्स भी बन जाती है, ताकत भी बन जाती है, क्योंकि वो उस पेन को झेल लेते हैं। इसीलिए काफ़ी स्टडी करते हैं जिनको सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, बाकी चीज़ों की तैयारी करनी है, तो उसमें क्या करते हैं कि वो ढेर सारे पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते हैं। तो दिन रात पढ़ते हैं तो पता उसमें क्या है कि वो दिन में ना सो पाते हैं, ना कुछ करते हैं, लिमिटेड टाइम उनको सोने का मिलता है, क्योंकि उस टाइम वो पेन लेते हैं, तो फिर देखो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। और छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं ज़िंदगी में, ये मैं वहाँ से नहीं बता रहा, मैं जिसने भी है ना दर्द को मतलब अपना दोस्त बना लिया है ना, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ के ही रहा है, उसको ज़िंदगी में कोई रोक ही नहीं पाया है। तो इसलिए आप सब से भी मैं कह रहा हूँ कि ये इसका शायद हमारा ये आखिरी सेशन है, उसके बाद हम वर्कआउट स्टार्ट करेंगे, एक दो दिन गैप दे के। गैप तो हमें शायद कल ही देना था, मगर आज फिर आ गए। तो क्या है कि जब आपकी ज़िंदगी में ये लगे ना कि भाई दर्द है, तकलीफ़ है, खुद देखो कि नॉर्मली अगर लाइफ में दर्द नहीं है, तकलीफ़ नहीं है, तो उस ज़िंदगी का फ़ायदा क्या है, क्या फ़ायदा बताओ। जब ज़िंदगी में दर्द है, पेन है, तकलीफ़ है, तो फ़ायदा तो उसी का है ना। तो इसीलिए मैं आप सब से कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में हमेशा जब भी पेन आए, जब भी दर्द आए, जब भी कोई तकलीफ़ आए, उससे घबराओ मत, उससे डरो मत, उसको फेस करो, आगे आके फेस करो। अब खुद बताओ ना कि आपने ढेर सारी वो सुना होगा, अब मैं बताता हूँ कि जब मैं, बाकी आपको एग्जांपल बाद में दूंगा, कि जब मैं रूमेटिक अर्थराइटिस पेशेंट था, तो क्या था कि मैं आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि अर्थराइटिस ऐसी बीमारी होती है कि मालिक करे किसी दुश्मन को भी ना हो, उसमें है ना
आंखें खुल जाती हैं, मगर क्या होता है कि बॉडी काम नहीं करती। तो क्या होता था, जैसे मैं सुबह उठ गया और मेरी आंखें खुल गई, मगर मेरे है ना शरीर का मूवमेंट ही नहीं होता था। अगर मूवमेंट ज़्यादा करूँ तो मैं दर्द से कहराता था, क्योंकि काफ़ी दर्द होता था चलने में उठने में। जब जब नॉर्मली ये सारी चीज़ होके धूप निकलती थी या बाकी चीज़ें होती थी, तो फिर मैं वो खड़ा होता था वो करने के लिए कि भैया अब मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, अब मैं ये चीज़ें बना सकता हूँ, ये सब हो सकता है। तो अब आवाज़ ठीक आ रही है, कुछ कह रहे थे कि आवाज़ कम आ रही है, तो मेरे हिसाब से तो आवाज़ ठीक होनी चाहिए, अब देखते हैं। तो क्या था कि जब आर्थराइटिस था तो मैं हिल नहीं पाता था, ना बॉडी हिल पाती थी और बहुत पेन होता था। और अब तो देखो गांव में टॉयलेट है, अब तो सारी चीज़ है, तब नेचर कॉल के लिए बाहर जाना होता था टॉयलेट के लिए, इन सब के लिए। अब तो गांव में सब बन गया, उस टाइम पे फैसिलिटी नहीं थी, उस टाइम पे बाहर ही जाते थे सब। तो वो दर्द मैंने झेला, उस दर्द में पता मैं क्या सोचता था कि मैं छोटा सा पहलवान बन गया, छोटा सा रेसलर बन गया, छोटा सा ये बन गया। उस दर्द में मैं ही सोचता था, उस दर्द को वो मतलब ओवर एड ना करके उस दर्द के बारे में सोचता था कि मैं एक छोटा सा रेसलर बन गया हूँ, ये सब कर रहा हूँ, कुश्ती लड़ रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा सा घी मिल रहा है, मुझे भी थोड़ा सा दूध मिल रहा है, मुझे भी थोड़े से पैसे मिल रहे हैं, तो मैं ये सब सोचता था। तो मैं अब आपको यही बता रहा हूँ कि ज़िंदगी में है ना, या तो आप दर्द को ले लो, पेन को ले लो, या फिर उससे बड़ी चीज़ सोचो। मैं कहता हूँ ना कि भैया अपना लक्ष्य इतना बड़ा बनाओ, इतना बड़ा बनाओ कि फालतू चीज़ों का, पेन का, इसका उसका तो आपको पता ही नहीं चले कि भैया कितना दर्द है ज़िंदगी में, कितना क्या है, कितना क्या कुछ है। और मैं आपको अब भी समझा रहा हूँ, पहले भी समझाया था कि भैया हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री, इतिहास, रटो मत, रचो। और भैया मैं तो एक बात समझता हूँ, मैं है ना इतिहास बताने में नहीं, बनाने में बिलीव करता हूँ, चाहे कैसे ही मिले, अच्छे तरीके से, नॉर्मली, किस हिसाब से, कैसे जाना है, कब जाना है, बस ये है कि लगे रहो अपनी हर चीज़ करके। और मैं खुद बता रहा हूँ कि भैया अपने आप को इतना सक्सेसफुल करो, इतना सक्सेसफुल करो कि लोगों को है ना आपको हराने के लिए कोशिश नहीं, साजिशें करनी पड़े अच्छे तरीके से, और तब समझ लो आप जीत गए। कोई साजिश करके आपको हराता है ना तो आप जीत गए। और मैं एक छोटी सी बात और बता रहा हूँ, अगर पेन के साथ आपने स्माइल अपने ऊपर कैरी कर लिया, कई बार क्या होता है कि जो फर्स्ट आता है, गोल्ड मेडल आता है ना, वो जीत जाता है। अगर वो सिल्वर मेडल वाला, ब्रॉन्ज वाला स्माइल करता है ना खड़ा होकर, तो गोल्ड मेडल वाले की सारी चमक फीकी हो जाती है। तो इसीलिए क्या करना है कि हमेशा ज़िंदगी में स्माइल भी कैरी करनी है, बाकी चीज़ें भी करनी हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मैंने बताया था कि भैया जो ये इस पूरे संसार की सारी शक्तियाँ हैं ना, वो हमारी हैं, ऑलरेडी हमारी हैं। ये बात आपने बिलीव कर लो, आज बता रहा हूँ, जो ये सारे संसार की सारी शक्तियाँ ऑलरेडी हमारी ही हैं, ये हम ही हैं कि अपनी आँखों पर पर्दा लगा के बैठ जाते हैं भैया, फिर रोते रहते कि भैया कितना अंधेरा है, कितना अंधकार है, कितना ये सारी चीज़ें हैं, कितना वो सब है। तो इसलिए बताओ कि ज़िंदगी में दर्द है या नहीं है। एक बार शायद मैंने पहले भी सुना था, ये आपको अब भी सुना रहा हूँ। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, महाभारत का वॉर चल रहा था, तो क्या हुआ कि कृष्ण भगवान कर्ण के पास गया, वो रूप धारण करके बोला, हाँ भैया आप तो इतने इतने वो हो, दानी हो, ये सारी चीज़ हो, ये सब कुछ है, मुझे आपका कवच कुंडल चाहिए। कवच कुंडल कर्ण का, शायद आपने महाभारत देखी हो तो, कर्ण भी बहुत बड़ा योद्धा हुआ है। तो उसने कवच कुंडल दे दिया, उसने फिर एक बात पूछी लास्ट के, ये भगवान मेरे साथ ही क्यों? तो फिर कृष्ण भगवान ने कहा था कि भैया आपके साथ क्या, मेरा जन्म हुआ जेल में, मुझे जन्म होते ही मेरी माँ से अलग कर दिया गया, मुझे पाला किसी और ने, पालते ही फिर मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर मुझे ढेर सारे मरवाने के लिए राक्षस ये सब भेजे गए, उसके बावजूद मैं थोड़ा सा और बड़ा हुआ, मेरा जो खुद का मामा था, खुद के ये सब थे, वो मेरी जान लेना चाहते थे, और इन सब के बावजूद भी मैं थोड़ा सा आगे आया, तो उसके बावजूद क्या हुआ कि मैंने किसी से प्यार किया, राधा से मैंने प्यार किया, मगर मेरी शादी रुक्मिणी से हो गई, मीरा मुझे चाहती थी। तो ये होता ना कि जब मेरी ज़िंदगी में भगवान हो गए, मैंने टाल पाया सारी चीज़ें, क्योंकि उस हिसाब से मैंने कर्म उस हिसाब से डेवलप नहीं किया, उस चीज़ के बारे में सोचा नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आप सब के पास है कि भैया आपके ऊपर है कि क्या करना है। जो एक नेगेटिव माइंड होता है ना, निराशावादी होता है, निराशावादी को ना हर अवसर में कठिनाई दिखती है कि भैया कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो ना, उसको हमेशा दिखेगा कि भैया समस्या ही है, प्रॉब्लम ही है। और जो आशावादी होता है ना,
आशावादी को यानी पॉजिटिव जो होता है उसको हर कठिनाई में अपॉर्चुनिटी दिखती है। अब वो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, अपॉर्चुनिटी लेनी है या क्या करना है, किस हिसाब से देखना है। तो मैं आज आप सबको एक बात बताऊंगा कि याद रखो जो पेन है ना, पेन, अगर पेन पे आपने विजय हासिल कर ली ना, फतेह हासिल कर ली, उसको दोस्त बना लिया तो कुछ है ही नहीं। और टैलेंट वैलेंट पता भैया क्या होता है? टैलेंट है ना सिर्फ 1% प्रतिभा, यानी 1% टैलेंट होता है 1% टैलेंट होता है और 99% होता है आपका हार्डवर्क। तो इसलिए कोशिश करो कि जो आपका हार्डवर्क है ना, जो 99% है, उसको अगर आप स्ट्रोंग कर लोगे ना तो टैलेंट अपने आप आ जाएगा। और मैं आपको अब भी बता रहा हूँ कि याद रखना, ज़िंदगी में टैलेंट है ना हमेशा हार्डवर्क को बीट करता है, हमेशा। और अब मैं बता रहा हूँ कि भैया अब ये छोटी सी बात है, मगर हम समझते नहीं ना कि भैया कोरोना चल रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। और एक छोटी सी बात बताऊँ आप सबको, कोरोना से किसी की डेथ हो जाती है ना गलती से, कोई परिवार वाले दूसरे कोई आता नहीं है, अकेले भेज देते हैं उनको ट्रीटमेंट करने के लिए। इसलिए भैया बचे रहो, घर पे रहो, बाहर मत निकलो। बाहर तब निकलो कि भैया ये देखो कि आपकी जान से ज़रूरी क्या 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 चीज़ ज़्यादा है, तब बाहर निकलो। और जिसकी नज़रें हैं ना, मैं आपको बताऊं, अगर आपकी नज़रें हैं ना लक्ष्य पर टिकी रहेंगी ना, तो मैं कह रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। ये हमें सारी फालतू चीज़ पता कब दिखती है? जब हमारी नज़रें लक्ष्य से भटक जाती हैं। अगर हमारी नज़र है ना टारगेट पे रहेगी तो हमें फालतू चीज़ दिखाई नहीं देंगी। हमें फालतू की चीज़ दिखाई तब देती हैं जब हमारी नज़रें, हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट है, उससे हमारी नज़र भटक के ओके चली जाती है। तो इसलिए ज़िंदगी में कोशिश करो कि आपकी जो नज़रें हैं, जो आपकी सारी चीज़ हैं, वो आपके टारगेट पे रहें, आपके उस पे रहें। देखो, और ढेर सारे आदमी कहते हैं कि भैया उसने ये कर दिया और उसने वो कह दिया और उसने ये कर दिया। देखो भैया, आज मैं आप सबको बता रहा हूँ एक छोटी सी बात कि जो मैंने बोला है ना, मैं सिर्फ उसका जिम्मेदार हूँ। मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ कि आपने क्या सुना, कहाँ से सुना, कैसे सुना, ये सारी चीज़ ठीक है। हाँ रबू, मैं ठीक हूँ भैया, आप सबके मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, सबके देख रहा हूँ, तो भैया मैं ठीक हूँ, आप सब भी ठीक रहो, वर्कआउट करते रहो, आप सबको भी लंबी उम्र हो। तो इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ कि भैया ज़िंदगी में ना हिम्मत मत हारो। और मैं तो कह रहा हूँ कि एक पत्थर है ना चमकीला होता है, संदीप साहब आवाज़ बराबर है मेरी, एक पत्थर है ना चमकीला होता है, वो चमकीला पत्थर इधर उधर रहेगा ना, वो ठोकरों में रहेगा। और एक काला सा पत्थर है भैया, उसको एक जगह रख दो, मैं कह रहा हूँ थोड़े से दिन बाद है ना, 2 साल 3 साल बाद लोग उसकी पूजा करने लग जाएंगे। बस वो वही है, वो आप में हुनर है, आप में टैलेंट है कि उस चीज़ को आप कैसे कर सकते हो। और मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि अगर आपने ठान लिया ना ये सोचने का, करने का, कि मैं ये कर सकता हूँ, ये चीज़ हो सकती है, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको कोई रोक ही नहीं सकता। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती आपको अपने लक्ष्य पाने के लिए, लक्ष्य के पास पहुँचने के लिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल भी ज़िंदगी में हिम्मत मत हारो, हमेशा हौसला रखो। और दर्द तो यार, दर्द का नाम क्या है, ज़िंदगी में एक दर्द तो होना भी चाहिए, एक तकलीफ़ तो होनी चाहिए, उससे लगता है कि ज़िंदगी जीने में मज़ा है। तो इसलिए ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जियो और ज़िंदगी में अच्छे तरीके से एंजॉय करो, और जो आपका टारगेट है उसे अच्छी तरीके से वो करो। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भैया दुनिया में है ना, मैंने एक बात देखी है नॉर्मली, आज मैं आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा क्योंकि इसके बाद हम आगे से जो सेशन स्टार्ट करेंगे वर्कआउट का करेंगे, वर्कआउट के साथ कुछ बताएंगे। इस दुनिया में ना मुश्किल चीज़ कुछ भी नहीं है, इस दुनिया में कुछ भी काम मुश्किल नहीं है, बस लोग है ना हिम्मत छोड़ देते हैं। अब आप देख लो कि और 99% लोग है ना हिम्मत वहाँ जाके छोड़ते हैं जहाँ पे वो सफलता के बिल्कुल करीब थे। जब मुझे रूमेटिक अर्थराइटिस हुआ ना, मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ, बहुत दर्द होता था, मेरे खुद के अंकल सब मजाक करते थे, पता क्या बोलते थे कि ऐसे चल रहा है भैया जैसे वो बंदर नहीं चल रहा है, जैसे इसके इसके पैर के नीचे कांटे हैं, ये सब कुछ है, ये सारी चीज़ हैं, बिल्कुल बिल्कुल फाइट करनी चाहिए, बिल्कुल फाइट करनी चाहिए। और इस कोरोना के बाद मिलेंगे भाई साहब, एक शूट भी करेंगे आपके साथ में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब मुझे रूमेटिक अर्थराइटिस था तो मेरे अंकल से लेके सब हंसी मजाक उड़ाते थे, पड़ोसी हंसी मजाक उड़ाते थे, रिश्तेदार उड़ाते थे, हर जगह, और किसी भी कोई भी पॉजिटिव बात करता ही नहीं था। सब ये कहते थे कि भैया ये ठीक ही नहीं होगा, ये बीमारी डेथ के साथ जाएगी, डॉक्टर भी ये बात बोलते थे, मगर मुझे बिलीव था, मेरी माँ को बिलीव था कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं सारी चीज़ें करूंगा।
वो बिलीफ सिस्टम इतना तगड़ा है कि भैया मैं तो जीत अपनी पहले ही मान लेता हूँ जब मैं निकलता हूँ। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, एक टाइम था मैं 30 किलोमीटर पहले चलता था, बस का किराया नहीं होता था, आज भी मैं चल सकता हूँ, सारी चीज़ वो करता हूँ। और हमेशा मैं वो याद रखता हूँ कि मैं आया कहाँ से हूँ, उस चीज़ पर आपको प्राउड फील होना चाहिए जो आपका, जहाँ से आपने जर्नी स्टार्ट की। याद रखो जर्नी आपकी कहीं भी स्टार्ट है, लास्ट आप कहाँ पर कर रहे हो महत्व वो रखता है। और अपनी जर्नी पर हमेशा प्राउड फील करो कि भैया मैंने जर्नी में ही, मैंने लाइफ में ये किया है, तो ये सब है। बस मेरी लाइफ में ना एक चीज़ है, मैं कभी हिम्मत नहीं हारता, और आप सबको भी हारना नहीं चाहिए किसी, चाहे कोई दुनिया ये कहती रही काम होगा या नहीं होगा, भैया जो दिल ने बोल दिया तो वो काम होगा। बस दर्द के ऊपर, इसके ऊपर विजय पाओ। हाँ पंकज भाई नमस्कार, बात करेंगे आज हम, तो हमेशा लगे रहो जिंदगी में। मैं और छोटी सी बात बता रहा हूँ कि अभी पहले कह रहा था कि भैया हम टूट गए, सारी चीज़ हो गई, पहले मैंने सुनाया है जब है ना बादल टूटता है तो बारिश होती है, बादल टूटता है तो बारिश होती है, बारिश होती है तो मिट्टी टूटती है, मिट्टी टूटती है तो उसमें कुछ फसल बोते हैं हम, वो बीज बोते हैं, जो बीज टूटता है तो उसके बाद अंकुर फूटता है, अंकुर फूटता है तो बाली तैयार होती है, गेहूँ की, बाजरे किसकी, और जब वो बाली टूटती है ना तो उससे अनाज निकलता है, गेहूँ निकलता है, बाजरा निकलता है, जो पिसता है ना तब आटा बनता, हम खाते हैं। इसीलिए आप अपनी ज़िंदगी में जब महसूस करो ना कि आप टूटे हुए हो, मालिक आपको तोड़ रहा है, तो याद रखो कि वो आपका उपयोग किसी बेहतर चीज़ के लिए करना चाहता है, किसी बेस्ट चीज़ के लिए करना चाहता है। बस हिम्मत मत हारो, जब ज़िंदगी में सारे रास्ते बंद हो जाए ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान जी है ना एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा उससे पहले खोल देता है। इसलिए मैं आपसे बात कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में है ना कभी भी हिम्मत मत हारो। जब भी आप अपने आप को टूटा हुआ फील करो तो ये याद रखो कि भैया मालिक आपका इस्तेमाल किसी बड़ी चीज़ के लिए करना चाहता है, बस ये याद रखो। अब खुद बताओ ना, जो रेस में घोड़ा दौड़ता है, एक घोड़ा रेस में दौड़ता है, उसका मालिक उसको कितने चाबुक मारता है, कितनी तकलीफ देता है, कितना ये सब कुछ करता है, क्यों? वो घोड़ा थोड़ी जानता कि मालिक इतनी तकलीफ़ क्यों दे रहा है, क्योंकि उसका मालिक उसको जिताना चाहता है, उस घोड़े को रेस में फर्स्ट लाना चाहता है, तो फर्स्ट आने के लिए ढेर सारे चाबुक भी मारता है, खड़ा भी होता है, उसको कुछ बोलता भी है, पैर भी मारता है। इसीलिए ज़िंदगी में ना याद रखो, जब चारों साइड से रास्ते बंद हो रहे हो ना, चारों साइड से ठोकर मिल रही हो, चारों साइड से आपको मालिक तोड़ रहा हो, तो समझ लो कोई बड़ा काम करने वाले हो आप, बड़ी चीज़ आपसे मालिक करवाना चाहता है, आप छोटी चीज़ के लिए नहीं बने हो। और एक बात और याद रख लेना, जब ज़िंदगी में लगातार परेशानी आ रही है ना, जब ज़िंदगी में लगातार परेशानी आती है तो समझ लो हमारा लेवल बढ़ जाता है। जब ज़िंदगी में लगातार परेशानी आ रही है तो हमारा लेवल ग्रो हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ज़िंदगी में याद रखो कि परेशानी कितनी भी आए, आप टूटे हुए फील करो, कुछ भी फील करो, बस हिम्मत मत हारो। जब थको तो आराम कर लो, थको तो आराम करो, आराम करके फिर आगे बढ़ना सीखो, बस हिम्मत मत हारो। कोई भी कुछ कहे, चाहे भैया कोई किसी ने बोला, कितना ही बड़ा आदमी बोला, भैया वो अपने अपनी बात जानते हैं, हम अपनी बात जानते हैं। और मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि भैया जिंदगी में एक हम्बल रहो, कभी भी किसी से ना बहस मत करो। एक 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 वो बात बताई थी मैंने कि कुछ लोग मानेंगे कि भैया ये सही है, कुछ लोग मानेंगे गलत है। एक बार छोटी सी बात है, एक मेरा दोस्त बता रहा था मुझे, बोला मैं एक बार्बर शॉप चला गया, नाई की दुकान, तो बोला वो नाई की दुकान में बैठा तो बोला मैं बाल कटवा रहा था, तो एक ने वो नाई बोला कि जी आज तो भगवान तो है ही नहीं, भगवान अल्लाह वाहेगुरु कुछ नहीं है। तो उसने बोला भैया क्यों नहीं है, याद सुनना ये बात, ध्यान से सुनना, ये आप सब की जिंदगी में कुछ वो लाएगी, अच्छी चीज लाएगी। तो बोले भगवान तो है ही नहीं, तो बोला कि क्यों नहीं है। तो फिर उसने बहस नहीं की, बोला बाहर जाके देखो कितने अपाइज हैं, कितने बीमारी से हो रहे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितनी डेथ हो रही है, भगवान होता तो सारी चीज कैसे होती। तो इंसान कुछ बोला नहीं, उससे उसने ना वो कटिंग करवाई और बाहर खड़ा हो गया चौक पे। फिर उसको एक दूर से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया काफ़ी टाइम बाद। उस इंसान का क्या था कि दाढ़ी बाल बड़े हुए थे और उसने गंदे से कपड़े थे, ऐसा लग रहा था कि 15 दिन से 10 दिन से वो प्रॉपरली खाना नहीं खाया, नाया नहीं है। तो वो चिल्लाने लग गया उसके पास कि भैया यहाँ पे नाई ही नहीं है, मतलब बार्बर नहीं है, नाई है ही नहीं। बोला भैया नाई क्यों नहीं है, बोला नाई है ही नहीं, बोला नाई है ही नहीं, बोला नाई है ही नहीं, बोला नाई मैं भी हूँ भैया, वो आगे भी दुकान है। बोला भैया अगर आगे दुकान है, अगर नाई आप हो तो ये इतने बड़े बाल और दाढ़ी ले कैसे घूम रहा है, ये सब होता। तो उसने बोला कि देखो बात ये है कि वो तो है ही, हमारे पास आता ही नहीं। वो वही रुक गया, देखो भैया
मालिक भी है हर जगह है, हम उसके पास जाते नहीं, हम उसको ढूंढते नहीं, हम यहाँ देखते ही नहीं यहाँ पे कि भैया है कहाँ। तो इसलिए भैया हर चीज़ है, अगर आप अपने आप को देख लोगे ना तो भगवान जी को देख लोगे, क्योंकि भगवान की सबसे बेस्ट जो क्रिएशन है ना वो इंसान है। क्योंकि इंसान सोच भी सकता है, इंसान घूम भी सकता है, इंसान ट्रेवल भी कर सकता है, इंसान हर चीज़ कर सकता है, बाउंस बैक भी कर सकता है, जो एनिमल या बाकी चीज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए बता रहा हूँ कि हर चीज़ है, बस उसको आप ढूंढो, उस चीज़ में आप बिलीव करो कि ये चीज़ है, कि भैया ये चीज़ हो सकती है। और मैंने पहले ही बताया है कि यार बड़ा सोचो ना, जब तक तो दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे तो समझ लो भैया सपना छोटा है, मैं हर बार कहता आ रहा हूँ। और एक वो कहावत थी ना, किसी आदमी ने बोला था, एक बड़े से आदमी ने बोला था कि एक बड़े से आदमी ने बोला कि भैया कि भैया मैं तो कितनी कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ ये सब रहती है, थोड़ा शूट था। तो मैंने उसको एक बात बोली, एक आदमी बड़ा था, काफ़ी एज में बड़ा था, नाम नहीं बताऊंगा उसका, रुतबा ही बड़ा था। मैंने उसको बोला भैया देखो, प्यार के बिना है ना, ना तो प्रार्थना है और ना परमात्मा है। आप भले कितना दान पुण्य कर लो, कितनी सारी चीज़ कर लो, जब तक आपके इसमें प्यार नहीं है, आपके हार्ट में सारी चीज़ नहीं है, तो ना तो प्रार्थना ना परमात्मा है। और प्यार से अगर हम किसी का एक टुकड़ा रोटी का भी खा लेते हैं ना, वो कहते हैं कि भैया सबरी के है ना जूठे बेर खा के भी राम जी ने, भगवान श्री राम ने वो क्या कर दिया था, वो आज तक कहावत बनी हुई है। तो इसलिए ये कह रहा हूँ कि भैया पेने मत रो, पेन को ऐसा करो ना कि पेन रोए, पेन सारी चीज़ करे। एक वो आपने वो सुनिए चार लाइनें कि भैया तू अपना कदम बढ़ा, तू अपना कदम बढ़ा, पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं, तू अपने आप को सवार, तू अपने आप को सवार, आईना दिखाने के लिए लोग हैं, तू कुछ करके तो दिखा, तो कुछ करके तो दिखा, तालियां बजाने के लिए लोग हैं। तो भैया मैं ये कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम कुछ करो तो, तुम कुछ बनो तो, नहीं तो भैया इंसान तो खींच खींचते रहेंगे। और सोचना तो अच्छा सोचो भैया, बुरा सोचने के लिए ढेर सारे हैं जिन्होंने वो सारी चीज़ ठेका ले रखा है, हमें वो करने का, नीचे करने का, आगे करने का, ऊपर करने का, नहीं वो सब करने का। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी चीज़ हो जाए ना, तो कभी रो ना, कभी चिंता करो ना, कभी हिम्मत हारो, हिम्मत मत हारो। और जो मालिक होता है ना, रब होता है ना, पहले ही मैंने बोला है, आज भी बोल रहा हूँ, वो है ना देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। याद रखना, मालिक जब देगा तब भी आपको आजमाएगा और लेगा तब भी आजमाएगा। अब आपके ऊपर है कि आप करोगे कैसे, उससे कैसे पार पाओगे, कैसे फाइट करोगे, कैसे सारी चीज़ करोगे। तो इसलिए कोशिश करो कि जिंदगी में, और पहले मैंने बोला, आज भी बोल रहा हूँ कि भैया जो जो होते हैं ना, जो ज़्यादातर तो छीन के खाने वाले होते हैं, उनका पेट कभी नहीं भरता है, छीन के खाने वालों का पेट कभी नहीं भरता है, और बांट के खाने वाला कभी भूखा नहीं रहता है। तो अब टफ टाइम है, अब भी कोशिश करो कि जो आपके पास जितना सामान है, जितना सामर्थ्य है, उसको थोड़ा सा आप बांटो, ये सारी चीज़ करो कि किसी को दे सकते हो, बांट सकते हो, तो सारा कर दो। क्योंकि क्या होता है कि जो दूसरों को खिलाने मज़ा है ना, खुद खाने मज़ा नहीं है। और भैया सम्मान हो या कुछ भी हो, इंसान को देने से मिला, लेने से कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी, कभी भी नेगेटिव नहीं रहना, कभी भी दर्द के आगे गिव अप नहीं करना, और कभी भी मैं अब कह रहा हूँ कि एक है ना, ज़्यादा है ना वेट मत करो, इंतज़ार मत करो, ये ज़िंदगी है ना आपसे उतना आगे निकल जाएगी जितना आप सोच भी नहीं पाओगे। इसलिए ना ज़्यादा इंतज़ार मत करो, ज़िंदगी में जो फैसला कर लिया ना, उसको बस कोशिश करो उसको इम्प्लीमेंट करने का। और भैया तरक्की मिलेगी तो गिराने वाले मिलेंगे, अगर तरक्की मिलेगी तो गिराने वाले भी मिलेंगे, तरक्की मिलेगी तो गिराने वाले भी मिलेंगे। तू तैयार रहना भैया, तैयार रहो तो आजमाने वाले भी मिलेंगे, तरक्की मिलेगी तो गिराने वाले भी मिलेंगे। और तैयार रहना, यहाँ पे ढेर सारे आजमाने वाले भी मिलेंगे। बस अगर हिम्मत उठा ली ना भैया, एक बार आपने कदम रख दिया तो रख दिया। अंगद जी का पाँव देखा था अभी, आप रामायण फिर से स्टार्ट हो गया है, तो अंगद का पैर इतना वो था, इतना उसमें ताकत थी, इतनी सारी चीज़ थी कि उसका पैर कोई उखाड़ ही नहीं पाया था, खाली एक पैर, क्योंकि वो विश्वास था, उसके अपना विश्वास था, भगवान श्री राम का विश्वास था, वो उठा नहीं पाया। तो यार आप सब में इतना विश्वास भी नहीं कि आपकी छोटी छोटी समस्या को दूर नहीं कर सकते।
इसलिए छोटी छोटी समस्याओं को दूर करो। और मैं बता रहा हूँ भैया, ये आजकल पैसा होना या ना होना समस्या नहीं है, समस्या है आपकी गरीब और छोटी सोच। ये बात अपनी बैठा लो, पैसा समस्या नहीं है, पैसा कोई समस्या नहीं है, समस्या है आपकी छोटी और गरीब सोच, छोटी और गरीब सोच, इसलिए बता रहा हूँ। दोनों साइड, दोनों साइड बोला है। तो उस समस्या को आप सुधार लो, उस समस्या को सुधार लो और ये सारी चीज़ करो। और भैया जितना भी जो कुछ होता है ना, मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, जब हमारे में घमंड पता कब आता है, घमंड हमारे में तब आता है जब हमें लगता है कि भैया हमने है ना जिंदगी में कुछ कर लिया है। हमारे अंदर घमंड पता कब आता है कि हमें जब ये लगने लग जाता है ना कि भैया हमने जिंदगी में कुछ कर लिया है। और सम्मान तब मिलता है, घमंड तब आता है जब हमें लगता है कि हमने जिंदगी में कुछ कर लिया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि भैया हमने कुछ किया है। याद रखो, घमंड तब आता है जब हमें जिंदगी में लगता है कि हमने कुछ कर लिया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि भैया हमने कोई महत्वपूर्ण काम किया है। तो इसलिए याद रखो, अपने आप से करना, अपने आप में रहना, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप कुछ अच्छा करोगे तो सामने वाले बता देंगे। तो इसीलिए लगे रहो, जुटे रहो, हिम्मत मत हारो, डटे, थक जाओ तो आराम करो, गिरे मत रहो, फिर से खड़े हो, फिर से आगे बढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि भैया ये फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई देख रहा नहीं देख रहा है, ये फर्क नहीं पड़ता कि आपसे कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, एक चीज़ का फर्क पड़ता है कि आपका बिहेवियर। देखो, अब एक सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश सब पे सेम पड़ता है। एक बच्चा होता है, उसकी मुस्कान सबके लिए सेम होती है, उसके लिए कोई छोटा बड़ा काला गोरा गरीब अमीर कुछ नहीं होता, यानी गरीब को जरूरतमंद भी बोल देते हैं, कुछ नहीं होता, सेम होता ना। तो आपका नेचर सेम रहना चाहिए सबके लिए। जब आप ये सीख गए ना, तो यही तो आर्ट ऑफ लाइफ है, यही तो सब कुछ है कि भैया ज़िंदगी कैसे जी जाती है, ज़िंदगी कैसे वो करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको है ना, आपको हर चीज़ में, हर उसमें नेचर सेम रखना है। और हर इंसान, याद रखो एक लास्ट बात बता रहा हूँ, हर इंसान अपने स्वभाव का, हर इंसान अपने स्वभाव का और स्वास्थ्य का लेखक है। हर इंसान अपने स्वभाव का, स्वास्थ्य का लेखक है, लेखक वही है, राइटर वही है। अब वो अच्छा लिखो या अगर गलत लिखो आपके हाथ में है। और दूसरा भैया, कोरोना चल रहा है तो एक शीर्षासन जरूर बना करो। शीर्षासन से क्या होता है, कोरोना ज़्यादा फैलता है नाक से और मुंह से, नाक से मुंह से फैलता है। तो शीर्षासन 30 सेकंड से लेके 2 मिनट 3 मिनट तक बनाओगे तो उससे आपको फायदा होगा। कोई ज़मीन पे नहीं बना सकते हैं तो आप एक काम करना, कोई तकिया या कोई चद्दर रख लो नीचे जिससे आप बना पाओ, क्योंकि नाक और जब ये पूरा ब्लड का सर्कुलेशन बनता है तो जितने भी कोई कोई वायरस, किसी प्रकार का वायरस नहीं होगा, कुछ भी इन्फेक्शन टाइप होने की उम्मीद है तो वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसलिए कल से जो बना सकते हैं शीर्षासन बनाओ, या इसका अल्टरनेट ऑप्शन है हलासन, हलासन भी बनाओ। कभी कभी इंसान बहुत तोड़ देते हैं। देखो रीनू जी, मैं मैसेज तो पढ़ रहा हूँ आपके, इंसान नहीं तोड़ते, हमें कोई नहीं हरा सकता, हमें कोई नहीं गिरा सकता, हमें कोई नहीं तोड़ सकता जब तक हम खुद नहीं टूट लेंगे, हम खुद हिम्मत नहीं हारेंगे। मैं कह रहा हूँ किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं है, औकात ही नहीं है, चाहे सब खड़े हो जाओ भैया, मालिक भी आ जाए, कोई भी आ जाए, जब तक आप खुद टूटने से मना करोगे ना, खुद हारने से मना करोगे, किसी की हिम्मत नहीं है जो आपको हरा दे। ये बात लिखवा के लेके जाओ, मैं लिख के दूंगा एक ब्लैंक पेपर पे, एक सफ़ेद पेपर पे। तो इसलिए ये तो सब नॉर्मली चीज़ है, इसलिए ज़िंदगी में कभी भी हिम्मत मत हारो, कभी मत टूटो यार। 20 आदमी है ना हमें गिरा सकते हैं मिलके, 20 आदमी हमें गिरा सकते हैं मगर हरा नहीं सकते। हारता वो है जो भैया उठने से मना करता है, फिर कोशिश नहीं करता। फिर कोशिश करो ना। मैं तो अपनी ज़िंदगी में भैया हर रोज़ हारता जीतता हूँ, मैं तो 0 से आता हूँ फिर खड़ा हो जाता हूँ, 0 पे आता हूँ फिर खड़ा हो जाता हूँ। तो अपनी ज़िंदगी में यही एटीट्यूड अपना लो कि कोई आपको है ना गिरा सकता है, हरा नहीं सकता। अब आप देख लो कि भैया आपको हारना है, आपको टूटना है, यही है। और मैं बता रहा हूँ कि जानवर में इंसान, पता फ़र्क क्या है, जानवर कुत्ता होता है वफादार बहुत होता है, पेट हमारा वफादार होता है, मगर कुछ तो इंसान है ना कुत्ते होते हैं वफादार भी नहीं होते, ढेर सारे आपके आसपास भी, मेरे आसपास भी है, मगर हम सब, हमें सबको इज्जत देनी है, हमें
हमें सबको प्यार से ट्रीट करना है, वो इंसानियत है। हमें कहते हैं ना कि बदलाव लाना है ना, तो बदला नहीं, बदलाव लाओ सोच से, प्यार से। और प्यार ऐसी चीज़ है कि वो हर चीज़ को चेंज कर देता है, हर चीज़ को बदल देता है। इसीलिए याद रखो कि हमेशा, और जिंदगी में कितने ही मौके आए ना, मैं एक छोटी सी बात बता के जा रहा हूँ, जिंदगी में ना कितने भी मौके आए, जिंदगी में कितने भी मौके आए, भले उनका फ़ायदा उठाओ या ना उठाओ, जिंदगी में कितने ही मौके आए भले उनका फ़ायदा उठाओ या ना उठाओ, मगर किसी के भरोसे का फ़ायदा मत उठाओ भैया। भरोसा कभी मत तोड़ना जिंदगी में। उसकी माफ़ी है ना यहाँ तो छोड़ दो, 7 जन्मों तक नहीं मिलने वाली है किसी का भरोसा तोड़ा तो। याद रखो ट्रस्ट, या तो उसको पहले बोल दो या फिर मना कर दो। तो मुझे लगता है कि भैया मोटिवेशन के लिए इनफ है, आगे हम अब स्टार्ट करेंगे कुछ डिफरेंट डिफरेंट, टाइम भी चेंज करेंगे, बता देंगे आपको, अपडेट करेंगे कि वर्कआउट कैसे करना है, क्या क्या वर्कआउट करें, क्या ये सारी चीज़ करें, तो उसके आधार पे चीज़ करेंगे। डू व्हाट यू फियर टू डू, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। डर कोई चीज़ नहीं होता भैया, डर जो है उस पर हावी हो जाओ। जब अकेले पड़ जाते हैं तो होता है भैया, ये नॉर्मल चीज़ है। जब आप अपने यहाँ पे जाने लग जाओगे ना, भी लॉकडाउन है भाई, आपको अच्छा टाइम मिला हुआ है, अपने अंदर जाके देखो, ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी, सारी चीज़ें आपसे वो हो जाएंगी। तो भैया आपसे एक दो दिन में मिलेंगे, हम अनाउंस कर देंगे एक दो दिन में, फिर वर्कआउट का सेशन लेंगे। अभी हम जैसे 21-22 दिन हमने क्लास की ना, आज तो नॉर्मली आ गए, फिर हम आपके साथ फिजिकली वर्कआउट मेरे साथ ज्वाइन कर लेना, जिसको वर्कआउट करना है, अच्छे तरीके से आपको बताएंगे ये वर्कआउट करना है, ये सारी चीज़ें करनी। तो आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी आप वर्कआउट कर सकते हो, कोई भी आसन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो टैग करो हमें, हराओ करोना चैंपियन बनोना। जो भी वर्कआउट कर सकते हो उस वर्कआउट में टैग करो हमें, हराओ करोना चैंपियन बनोना। और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, कहीं भी टैग करो, मुझे टैग करो, युवा स्टोपेबल को टैग करो, और फिर वो भेज दो। फिर उसके आधार पर हम सबका अनाउंस भी करेंगे, सारी चीज़ करेंगे। और आज एक हमने फेसबुक पोस्ट शेयर की है कि क्या किया है हमने, मिलके छोटा सा कंट्रीब्यूशन क्या किया है, वो आप सब देख लेना, जरूर चेक कर लेना। इंस्टाग्राम पे भी किया है, फेसबुक पे भी किया है, ट्विटर पे भी किया है। तो सब अपना ख्याल रखो, खुश रहो, और कभी ना हार मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है, अपना तो वही है भैया, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, ख्याल रखो अपना।